पार्टी ही है, वो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं भाई, उनका काम है लोगों तक पहुंचाना। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जा ही नहीं रहा तो पहुँचाएगा कहाँ से? जब कभी जनता के बीच आते ही नहीं है तो क्या जानेंगे हम लोग की हमारे सांसद कौन है, प्रवीण निषाद है और अन्य कौन है? यहाँ का प्रत्याशी जो है आज तक हम लोग रोड पे ही घूमते हैं लेकिन कभी उसका चेहरा नहीं देते। रही बात अब के चुनाव में आदमी बदलाव चाहता है। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सदरे आलम खान। 62 लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर में कितने विकास हुए हैं, क्या है यहां पर आपकी चुनाव का मुद्दा, ये हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि संत कबीर नगर के ये 62 लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद रहे हैं प्रवीण निषाद, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अब 5 सालों में उनका कितना विकास है ये जनता तय करेगी और जनता दिखाएगी। बने रहिए हमारे साथ। चलते चलते हम पहुंचे हैं खलीलाबाद, ये विधानसभा क्षेत्र है 313, जहां जो लोकसभा क्षेत्र का ये हॉट माना जाता है, क्योंकि सारी आबादी जो है दूर दूर से लोगों को आने की जो जगह है, ये दूर दूर से लोग यहीं पर पहुंचते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो 5 साल इंजीनियर प्रवीण निषाद ने जो जनता के बीच दिया है, क्या है उनका जो 5 साल का कार्यकाल, कितना अधिक विकास वाला रहा है या विकास के मुद्दे से भटके हुए हैं। यहाँ पर लेबरों की मार्केट लगती है, यहाँ पर लेबर जो है अपने कार्य की तलाश के लिए निकलते हैं। यहाँ पर कुछ लेबर खड़े हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अभी क्यों खड़े हैं। क्या नाम है आपका चाचा? खदेरू। खदेरू कहाँ के रहने वाले हैं? संत कबीर नगर। कहाँ यहाँ खड़े हैं? अरे काम करने लिए खोज रहे, काम नहीं मिल रहा। कब से खड़े हैं? अरे सुबह से 6 बजे से। काम नहीं मिला? नहीं। अच्छा, चुनाव आने वाला है, चुनाव में क्या लग रहा है कि चुनाव में आप लोग की सहभागिता किसको रहेगी? मोदी जी को। काम नहीं मिल रहा फिर भी मोदी जी को? यहाँ अच्छा चलिए, मोदी जी को तो आपको जिताना है क्योंकि मोदी जी ने सारा काम किया, लेकिन यहाँ जो सांसद रहे उनकी कार्यशैली क्या है? हम नहीं बता पाएंगे, हम गवार आदमी, क्या जाने। नाम जानते हैं उनका? नहीं, हम नहीं जानते। सांसद का नाम नहीं जानते? कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे, हम लोग गरीब आदमी, हम नहीं जा पाएंगे। नहीं, जीतते हैं तो गरीबों के बीच ही तो रहने के लिए जीतते हैं। वही बात जब बताओगे तब तो मालूम पड़ेगा इसमें। चलिए, एक ज्यादा ज्यादा जानकार है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये भी यहाँ पर काम ढूंढने के लिए है? इसी टाइम मौका मिला है। हाँ। तो ढूंढने का है, और 5 साल के पहले नहीं मिला था ढूंढने के लिए। 5 सालों में वो जनता के बीच नहीं रहे? हाँ, बहुत रोजगार दिया, 200 करोड़ रोजगार दिया आदमी को, जो पढ़ाई लिखाई कराता है ना, अपने पैसे बच्चों को देता है ना फीस, वही जानता है। क्या आप लोगों को यहाँ पर कितने देर से आप खड़े हैं? कम से कम हम लोग 4-5 घंटे से है। क्या कोई रोजगार नहीं मिला? अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ के सांसद है प्रवीण निषाद, उनको कभी आपने देखा है? नहीं, हम सकल नहीं उनका देखे हैं। सकल नहीं देखे? नहीं। क्या लगता है कि उन्होंने कुछ विकास किया होगा? अरे कहीं किए होंगे, हम लोग वहाँ नहीं जानते हैं उनको। चेहरा कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखे हैं। यहाँ हम लोग चौराहे पर उनका दर्शन नहीं करते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। माता जी के दर्शन करते हैं? चलिए, माता जी का तो दर्शन करना ही चाहिए। 5 सालों में क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? नहीं। इस बार कैसा सांसद चाहते हैं आप? हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। कहे कोई इस तरह का ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसे आप जो आपकी सांसद चुन सके? नहीं, ऐसा हमारे समझ में नहीं आता है। हाँ, कोई ऐसा नहीं? आखिर दिल में इतना दर्द क्यों है आपका? अरे दर्द है इसीलिए 200 करोड़ रोजगार दिए है आदमी को, जो पढ़ लिख करके बेचारे अपना मार्कशीट फूक करके आगे आत्महत्या कर दिए है। मार्कशीट फूक कर? हाँ। कहाँ तक आप पढ़े हैं? इंटर किए हैं। हाँ। आपको कोई रोजगार नहीं मिला? हाँ। क्या करते? यही करते हैं जो कर रहे हैं, मजदूरी। हाँ। देखिए, जो वोट परसेंटेज घट रहे हैं उसका यही कारण है। इनका कहना है कि 2 करोड़ रोजगार देने के बाद भी लोग अपनी मार्कशीट जला कर आत्मदाह कर लेते हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोग रोड पर आकर वो एक मजदूरी की तलाश करते हैं। कुछ और साथी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा क्षेत्र में वो क्या रहा। अरे आप बताइए ना, नाम क्या आपका? सुनील यादव। यादव जी, लोकसभा क्षेत्र में हम आपसे ये नहीं सवाल करेंगे कि आप किसको वोट कर रहे हैं,
है कैसे क्या, लेकिन 5 साल जिसने आपको विकास के लिए दिया उनका विकास कैसा है? विकास तो कुछ नहीं है, विकास हो रहा था हम लोग घूमते ही था उधर, कोई पढ़ लिख के आदमी बेरोजगार घूम रहा है, काम मिलता तो वह काम करता, कुछ आगे बढ़ता, कुछ काम नहीं हो रहा है, अभी पढ़ लिख के बेकार है, घूम रहा है इधर उधर। हमको चाहिए जो व्यक्ति वो है जो काम करने वाला, हम गरीबों को सोचने वाला कि हाँ गरीब के बारे में क्या सोचना चाहिए, इसको रोजगार मिले आगे बढ़े, वो पढ़ लिख के बेकार घूम रहे हैं। अच्छा आपके वहाँ सांसद कौन है? परवीन निशान। कभी देखा आपने? मुलाकात ही नहीं हुआ हम लोग से, वो बड़े बड़े घर के जो लोग हैं उनके घर पिलाते हैं, हम लोग गरीब घर पे नहीं जाते, वो गरीबों के पास जाते तो कहते हैं हमें गरीबों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे इतना साथी लोग हैं, पूछ रहे किसी घर गए हैं कि नहीं, बताइए भाई आप भी बताओ। नहीं अच्छा ये बताइए कि किसी के घर नहीं गए हैं, पहचानते हैं आप उनको? देखे हैं पोस्टर पे, सामने सामने मुलाकात नहीं हुआ है। अच्छा पोस्टर में आपने देखा है? पोस्टर में इन्होंने सांसद को देखा है, कोई विकास नहीं हुआ है। ये है संत कबीर नगर की हालत। एक युवा मेरे पास खड़ा है, ये भी कुछ कहना चाहेगा, क्या नाम है तुम्हारा? बाजराम कुमार मौर्य नाम है, मैं उड़ावा गांव का रहने वाला हूं, मैं खलीलाबाद के मूल निवासी हूं। मैं भाजपा सरकार से निवेदन करता हूं कि मैं 8 तक पढ़ा लिखा हूं लेकिन बेरोजगार हूं। मेरी यही मनोकामना है कि मोदी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बच्चों की इच्छा और समाज को बेकार समझकर उन्हें नौकरी या कोई भी अन्य कामों के लिए समाज के लिए उन्हें बुलाते नहीं है और ना काम देते हैं, ऐसे दर बदर भटकते हम लोग हैं। ये बताओ कि क्या करते हो? हम सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते कहाँ तक पढ़े हो? हम 8 तक पढ़े हैं। 8 तक पढ़े हो, 8 तक पढ़ाई आपको है। जो योजनाएं योगी जी की या मोदी जी की है वो मिली है कभी आपको? नहीं सर, हम लोग मोदी जी की योजना को अप्लाई करते हैं फिर भी और कुछ भी सुनवाई नहीं होता है। मोदी जी के जो लोग हैं उनको शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो कहते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसे ठुकरा देते हैं। हम गरीब लोग दर बदर ठोकर खाकर सड़क पर भटकते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए जो सरकार जो है ये निरंतर दावे कर रही है कि हमने जो हमारी योजनाएं हैं लोगों को जमीनी स्तर तक हमने दिया। ये जो है लेबर मार्केट है, यहाँ पर जो सुबह से लोग बैठे हुए काम की तलाश में उन्हें काम नहीं मिल रहा। कहते हैं चुनाव चल रहा है तो हर किसी को वर्क है, नहीं तो नेताजी का झंडा ही उठा लेंगे। हमारे साथ कुछ और बंधु हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आवत बा, क्या बात बा? सर हम लोग को मजदूरी नहीं मिल रहा, हम लोग इधर बदर भटक रहे हैं, हम लोग कोई काम काज नहीं है, चुनाव आ गए इसलिए बोल रहे हैं काम काज ढीला हो गया है। काम काज ढीला हो गया तो चुनाव में आपके अपने सांसद को आपने देखा है कभी? नहीं हम तो नहीं देखे। नाम भी जानते हैं? नाम नहीं जानते। अरे भाई 5 साल वो आपके सांसद रहे हैं, विकास कार्य किया क्षेत्र में बहुत सारे, आप नहीं जानते? तो मोदी हैं, मोदी जानते हैं, योगी और मोदी को योगी दोनों जानते हैं। जब कभी बाकी सांसद को आपने नहीं देखा? जब कभी जनता के बीच आते ही नहीं है तो क्या जानेंगे हम लोग की हमारे सांसद कौन है, परवीन निषाद है और अन्य कौन है? जनता के बीच नहीं आते? कभी नहीं आते हैं सर, हम भाजपा को हमेशा वोट देते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी एक भाजपा ही रहे, अन्य कोई भी पार्टी जीते, हम इसकी मनोकामना करते हैं। लेकिन हम लोग भाजपा को ही वोट देते थे? हम भाजपा क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करने में आपको हिचक तो महसूस नहीं होती, लेकिन क्या आपको जरा सा कहीं से काम वगैरह मिला कभी? नहीं सर कभी नहीं मिला। हम परवीन निषाद जी को वोट देने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं लेकिन तो अच्छा योगी और मोदी जी को जिताने का फिर क्या फायदा हुआ जब परवीन निषाद यहाँ कोई काम ही नहीं ले जाते? अरे तो पार्टी से हैं, उनको वोट देना हमारा कर्तव्य है इसलिए हम वोट देते हैं, लेकिन अगर वो अन्य पार्टी से रहे तो कभी नहीं वोट देंगे, इसलिए कि ये इनकी पार्टी काम करती है लेकिन तो जनता के बीच कभी नहीं आते हैं। अच्छा पार्टी काम करती है जनता के बीच नहीं आते? सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि इनका कहना है कि ये जब से हो संभाले जब से वोटर हुए तब से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करते रहे, लेकिन इंजीनियर परवीन निषाद लोगों के बीच नहीं बने रहे, इस वजह से इनके अंदर मलाल है। आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन 62 के बारे में हम आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पर विकास क्या हुआ है, लेबरों की सारी चीजें हैं, यहाँ से लोगों का आवागमन बड़ी तेजी से हो रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस 62 लोकसभा क्षेत्र में
अभी तक कितना विकास हुआ है। चलते चलते हम पहुंचे हैं खलीलाबाद के 62 लोकसभा क्षेत्र के, ये गोला बाजार एरिया है जहां पर लोग पहुंचते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय लोकसभा क्षेत्र का और लोकसभा का विकास का क्या है और चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। आइए दिखाते हैं। ये यहाँ जिले की जो है सबसे चर्चित चाय की दुकान है। यहाँ पर काफी युवा जो है चाय की चुस्कियां लेते हुए। आपका क्या नाम है सर? ओम सिंह। ओम सिंह, देखिए अभी तो चर्चा हो रही थी, आपने सुना ही होगा कि चर्चा लोकसभा चुनाव है, तो इस चुनाव को कैसा होना चाहिए, ये एक सवाल है। देखिए चुनाव तो ऐसा होना चाहिए भाई, अपना जो लोगों का जो मत है अपने अधिकार से करें, अब बाकी तो पब्लिक के ऊपर क्या करना चाहती है। तो 5 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहे इंजीनियर प्रवीण निषाद, और उनको सरकार ने दोबारा रिपीट किया है जी। 5 साल का उनका कार्यकाल। देखिए उनको सरकार ने रिपीट किया ठीक है, लेकिन पब्लिक उनको नहीं चाहती है ना। पब्लिक को तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में उतनी ही खुशियां उन्हें होती है कि उनका 5 साल बेहतर गुजरे। 5 साल इन्होंने कैसा दिया जनता को? जनता को टाइम ही नहीं दिया इन्होंने, और हम तो ये जानते हैं कि मतलब आधी जनता तो इनको जानती ही नहीं है, इनको जानती ही नहीं। क्या कहेंगे इसके बारे में कि आधी जनता नहीं जानती? देखिए तो दुर्भाग्य है। अब दुर्भाग्य ही मानिए इसको। अब देखिए सरकार जो योजनाएं दे रही है वो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं भाई, उनका काम है लोगों तक पहुंचाना। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जा ही नहीं रहा तो पहुंचाएगा कहां से? यही सारी दिक्कतें हैं। तो कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? अब जनप्रतिनिधि यही होना चाहिए कि भाई जनता में उठे बैठे। अब देखिए चुनाव आता है तब तो जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव खत्म होते ही सरकार बनते ही कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि जो जाके जनता के बीच में उनको देखे समझे। आप भी युवा हैं तो वोट आप पहली बार करेंगे कि? नहीं, हम तो कई बार किए। इस बार कैसा चाहते हैं आप? देखिए हमारे वहाँ जो लोकसभा का टिकट वितरण हुआ है इससे मतलब इनको रिपीट किया गया है, हालांकि चेहरा इनका ठीक नहीं, लेकिन जो है हम लोग सरकार को देखते हुए, मोदी जी को देखते हुए ही वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी को देखते हुए वोट करेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया कि मोदी जी को देखते हुए हम वोट करेंगे। मोदी जी खजाने का मुंह खोल देते हैं हमारे जिले के, एक बात है हमारे जिले के खजाने का मुंह खोल देते हैं, लेकिन वो खजाना किस काम का जब हमारे जिले तक ही ना पहुंचे? तो देखिए अगर मोदी जी दे रहे हैं, सरकार दे रही है, तो जनप्रतिनिधि का काम है ना जनता तक पहुंचाने का, तो जनता तक ना पहुंचा करके वो रास्ते में रह जा रहे हैं। रास्ते में रह रहा है तो फिर योगी मोदी जी को देखने से बेहतर है ये? देखिए बेहतर तो नहीं है, लेकिन अब चाहते हो क्या किया? देखिए हम उस विषय पे बात नहीं करेंगे क्योंकि बात लंबी है, और योगी और मोदी पर टिप्पणी करना या बात करना बेहद ठीक नहीं है। लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन 62 है, यहाँ पर जो बातें हैं हमारे क्षेत्र के विकास को लेकर है। जब योगी और मोदी की जब बातें आएंगी तो वो सीधे सामने डिबेट में बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन 62 का, इसमें कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? देखिए प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए कि जनता के बीच में आए, और ना कि मतलब 5 साल अपना सत्ता का वो फायदा उठाए केवल, जनता को समझे ही ना। अगर लोग मिलना चाहें, जनता मिलना चाहे, मिलना चाहिए ना उनको। अब जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या देख रही है, अगर मिलने जाओ तो उनके पास टाइम नहीं रहेगा, उनसे मिलने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हम 10 बार जाएंगे तो 1 बार मिलेंगे, वो अपने में ही रह जाते हैं तो जनता में कहाँ से आएंगे। अब की बार जितनी लोग प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को कितना नंबर देना चाहेंगे? अब देखिए प्रत्याशी जितने तीनों ही प्रत्याशी जो है, सपा, बसपा और भाजपा, प्रत्याशी का कोई यहाँ वो नहीं है, प्रत्याशी का नहीं है, यानी कि वो प्रत्याशी ठीक नहीं है, तीनों में से कोई नहीं ठीक है। चलिए चुनाव चल रहा है, चुनाव की पोजीशन क्या है? अब जनता सरकार के 5 साल, 7 साल और 10 साल के कार्यकाल को देख रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस सरकार ने हल नहीं किया, और हमारे ज़िले के लिए कोई योजना आज तक इस ज़िले में आई नहीं। तैनाते जनता इस सरकार मोदी और योगी के खिलाफ मतदान करने वाली है, और यहाँ का जो सांसद है बीजेपी का, वो 5 साल किसी जनता से नहीं मिला, किसी क्षेत्र में नहीं गया, कोई काम विकास का नहीं करा इसको मुद्दों को लेकर के,
जनता अंडर करंट है, जैसे हम जनता मुंह खोल नहीं रही है इस सरकार के खिलाफ, लेकिन इस सरकार के खिलाफ जनता वो अच्छा आपने कहा सरकार के खिलाफ, क्या लगता है लोगों के अंदर कुछ खौफ है क्या? खौफ है जनता में, इतना खौफ है कि अगर बीजेपी खिलाफ कुछ बोल देंगे तो हमको अनाप शनाप कानून में का बोला धाराओं में बंद कर जेल में भेज सकते, ऐसी है लोगों में। जो यहाँ सांसद हैं उनके कोई ऐसे कार्य हैं कि जो जनता के बीच रखे जा सकते हैं? उनके तो तमाम ऐसे कार्य है जो उन्होंने जनता के बीच में वादा किया और उसको पूरा नहीं किया। क्या नहीं, वादा खिलाफी रही है? हाँ। विकास, विकास कहीं नहीं, पूरे जिले में लोकसभा क्षेत्र में आप घूमिए कहीं कोई भी पत्थर फर्जी जो समाजवादी सरकार में पत्थर लगे थे काम हुए थे उन्हीं पर अपना कम पत्थर लगवा करके और अधिकारियों से मिल करके वो पूरा। चलिए, इन्होंने समाजवादी का जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी में जो वर्क दिए गए थे उसी का पत्थर लगा के शिलान्यास किया गया और कार्य कुछ नहीं हुआ। फिलहाल चलते चलते हम आपको और भी जगहों पर लेकर चलेंगे कि क्या कुछ होना है। चलते चलते हम खलीलाबाद के गोला बाजार में पहुंचे हैं, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय चुनाव नजदीक है, कैसी सरकार लोग चाहते हैं, यहां पर जो 5 साल बीता है विकास में कितना बीता है। क्या नाम है सर आपका? राजेश यादव। राजेश सिंह, ये बताइए कि ये 5 साल चुनाव खत्म होना, चुनाव शुरू हो रहा है, 5 साल खत्म हुए हैं, कैसा बीता है? बहुत खराब बीता है सर हम लोगों के लिए। समझ लीजिए कि अब किस हिसाब से जुबा नहीं खुल रही है, बहुत ही खराब बीता है। यहाँ का प्रत्याशी जो है आज तक हम लोग रोड पे ही घूमते हैं लेकिन कभी उसका चेहरा नहीं देते। रही बात अब की चुनाव में आदमी बदलाव चाहता है सर, हमेशा सब बदलाव चाहते हैं। आखिर क्यों बदलना चाहते हैं? बदलाव इसलिए सर चाहते हैं कि क्योंकि हम लोग जैसे मजदूर आदमी हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे गड़बड़ हो गई। शिक्षा प्लस रोजगारी महंगाई तीनों बहुत एकदम जटिल मुद्दा है सर। अभी आप BSc BA में नाम लिखाइए, 6 बार दो दो बार नाम लिखाया जा रहा है। अच्छा, हाँ दो दो बार नाम लिखाया जा रहा है। अब बताइए, सरकार तो ये कहती है कि हमने जो एडमिशन शुल्क जो लोग लेते थे हर साल वो हमने हटा दिया है, राइट टू एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। 17,000 नाम लिखाई लगा है सर 2 बार में। एक BSc में बच्ची पढ़ रही है, 17,000 लगभग नाम लिखाई लग गया दो चैप्टर में। जुलाई में भी लिखाए थे, फिर अभी लिखाई 1.5 महीना पहले। क्या लगता है आपकी कैसा आप सांसद चाहते हैं? कैसा सांसद देखिए, मिलनसार हो, अपने क्षेत्र का हो, अपने जिले का हो। हम लोग बाहरी से एकदम तंग आ गए हैं, इसको चरागाह लोग बना के। अच्छा, यहाँ अभी तक जितने भी सांसद हुए बाहरी हुए हैं केवल यहाँ आप समझ लीजिए कि जैसे आपका जो शुक्ला जी थे, शुक्ला जी थोड़ा बहुत काम किए थे और तो कहा कि हम पूरा मिल ले आ दिए, पूरा ये कर दिए, लेकिन कुछ काम ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जब से हम लोग को जानकारी हुई तो माननीय भालचंद जी, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र यादव जी, हम ये दो सांसद को आप देखे थे, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। जो भी काम हुआ है हम लोगों के, जब से हम लोग वो संभाले तब से इनके अलावा कोई काम तो नहीं हुआ है। हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया रही है, यहाँ पर जितने लोगों से बात की गई उन्होंने जो है प्रत्याशी के बारे में गलत ही बोला है, क्योंकि क्षेत्र में उनका कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जनता से जुड़ाव नहीं रहा। हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग और हैं आ जा रहे हैं रास्ते में। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ये एक महापर्व है, कैसे इसको मनाना ठीक है? बढ़िया है। प्रत्याशी लोगों की बड़ी तारीफ हो रही है जनता में। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बार जितने प्रत्याशी आए ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है, एक जीतेंगे तो मोदी ही जीतेंगे और कौन जीतेगा? नहीं, मोदी तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अरे तो प्रत्याशी लड़ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, प्रत्याशी 5 साल प्रत्याशी को तो दिया गया है। हाँ ठीक है, 5 साल में कुछ उन्होंने किया है? हाँ 5 सालों में किया है। सब काम हो नहीं रहा है क्या? अरे सब काम हो रहा है क्या? अरे सब काम का, अरे वो कहते हैं ना कि करते हो मेरे दाता, सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। तो ऐसा ही तो नहीं, कृपा मोदी जी की नाम आपका? नहीं हो रहा है, हो रहा है। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार बनेगी। चलिए इस बार मोदी सरकार, क्योंकि जिले में प्रवीण निषाद कुछ ऐसे लोग हैं, प्रवीण निषाद का चेहरा नहीं देखे हैं, लेकिन मोदी जी को जिताकर उन्हें जरूर जिताएंगे। चलिए ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस प्रॉपर के रहने। चलिए, इनका कहना है कि मोदी जी जीत रहे हैं,
फिलहाल ठीक है, मोदी जी जीत रहे हैं। कुछ लोगों को और बुलाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्था है। एक मिनट सर रुकिएगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्योंकि हमने बड़े लोगों से पूछ लिया, चुनाव आ रहा है, आपकी चुनाव कैसा? चुनाव भाई जो सब सबको करेगा वो चाहे वो हम ही करेंगे। अच्छा, 5 साल आपके सांसद जी थे, सांसद जी का नाम पता है आपको? जब आए नहीं पता, कहीं चलेगा? आए नहीं कभी? नहीं, किसी दुआ नहीं आए, हमारे गाँव में सत्यवाही थे वो दिखते थे। हाँ। इनका नाम नहीं पता, इनका शक्ल नहीं पता, तो फिर क्या ऐसे ही चाहेंगे? एक जनी तो कहते रहे कि मोदी जी के जीताओ बाटी, तो मोदी जी के चुनाव लड़ नहीं रहे यहाँ? नहीं, उनके नाम पे कोई है ना, उनके नाम पे वही है 5 साल जो आपने जिसका चेहरा नहीं देखा है वही आ रहे हैं, फिर उनको फिर जिताएंगे? भाई क्या होगा, जब उन्हीं का राज है तो उसी में जाएंगे सब। तो विकास कैसे होगा साहब? विकास जब कर रहे हैं क्या होगा? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, वही चावल ले रहे हैं उसी नाम से सब है, बस उतने से काम चल जाएगा। बच्चों की फीस कैसे जमा करेंगे? कहाँ, जब कमा रहे 500 रुपये कमाते हैं, जो सुबह रोज खर्चा हो जाता है, 1 रुपया सुबह के नहीं जाता है, चलेगा? यानी कि परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, परेशानी तो है। आप अपने सांसद को लेकर कितना परेशान है? बहुत परेशान, बहुत परेशान। चलिए, ज़्यादा इनके लोड भी देने लायक नहीं है, सांसद को लेकर परेशान है, लेकिन योगी मोदी का राज है, योगी मोदी को जिताएंगे सांसद। कोई हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि मेरा ना काम किसी और का, नाम किसी और का हो रहा है। हालांकि जो ये 62 लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ विकास के मुद्दे काफ़ी रहे हैं, लेकिन विकास जमीनी स्तर पर कहीं दिखा नहीं। चलते चलते हमारी टीम जो पहुंची है कलेक्ट्रेट के पास, जो कि कचहरी एरिया है, यहाँ पर हर जगह से, जिले के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि लोकसभा जो चुनाव चल रहा है वो आप अब की बार किस मुद्दे को लेकर आएगा, और जो 5 साल उनके बीते हैं किस तरह के बीते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम हरिलाल लोधी है। अच्छा हरिलाल जी, चुनाव नजदीक आ रहा है जी? हाँ, चुनाव तो क्षेत्र में आपके क्या विकास हुए, आपकी क्या सोच कर वोट करना है? विकास क्या, 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ, कोई योजना पूरे 10 साल चली ही नहीं। आप ही बताइए, कोई सुचारू रूप से कोई योजना इनकी चली ही नहीं, पूरे तरह से ये सांसद भी फेल है, सरकार भी फेल है। अच्छा, सांसद की जब आप बात करते हैं तो सांसद की क्या कमियां हैं, कहते हैं कि सांसद तो क्षेत्र में किसी दिन घूमा ही नहीं, पूरे 5 साल बीत गए, ना कोई विकास कार्य है। आपने कभी देखा है सांसद को? मैं तो परमानेंट रोड पे, जिले पे, तहसील पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, कभी मैंने देखा ही नहीं। और न ये आदमी 15 गांव गिना सकता है, न 15 आदमी का नाम जानता है संसदीय क्षेत्र से। आखिर 15 इनका 5 साल कैसे बीता? अब ऐसे बीता, दिल्ली बीता, लखनऊ बीता, गोरखपुर बीता, क्षेत्र में कभी घूमा ही नहीं ये सांसद, जनता को ठग लिया चला गया। देखिए, जनता के ठगने की बात है, आज न्यूज वर्ल्ड जिस जगह पर पहुंचता है वहां पर सांसद की कहीं ना कहीं कुछ कमियां सामने आती हैं। लोकसभा चुनाव है, अब इसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये पार्टी का मुद्दा है। यहाँ पर जितने भी है, लोग हैं वो जिले के कोने कोने से मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शमीउल्लाह खान। शमीउल्लाह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पड़ेगा जो है सांथा के पास, ये 62 लोकसभा क्षेत्र ही पड़ेगा। जी जी जी। आपने कभी अपने सांसद को देखा है? नहीं, कभी नहीं। विकास क्या हुआ आपके क्षेत्र? विकास जीरो। तो 62 लोकसभा क्षेत्र में अब चुनाव होने वाले हैं, 25 मई को चुनाव होगा, तो उस चुनाव में क्या सोचकर आप लोग प्रतिभाग करेंगे? हम लोग जो है जिला के बाहर के जो भी प्रत्याशी हैं उनको जो है नहीं वोट करेंगे। यहाँ जिला के अंदर जो भी है, अपना करीबी क्षेत्रीय है और स्वभाव का अच्छा हो, जिसके दुख सुख में जाए, सबका खोज खबर ले, गरीब दुखिया का क्षेत्र में चले, विकास करे, उसी को हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सांसद की बात हो रही है, सांसद को आपने देखा है कभी? जी, एक बार देखा है। नाम क्या उनका? जो है प्रवीण निशान नाम है। एक बार वोट मांगने आए थे तब देखे थे। और 5 साल नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। उनको फोन भी करो, कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए फोन भी नहीं उठाते हैं। क्या लगता है ऐसे सांसद होने चाहिए? ऐसे सांसद को भगा देना चाहिए, और जगह जगह भगाया भी जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं, भगाया जा रहा है? भगाया जा रहा है, हर जगह जहाँ जा रहे हैं भगाया जा रहा है उनको। क्यों भगा रहे हैं लोग? इसीलिए कि जो है क्षेत्र में आएंगे नहीं, किसी दुख सुख नहीं जानेंगे,
किसी के आज तक गए नहीं, किसी के घर पे नहीं गए हैं, चाहे वो मरनी हो चाहे शादी ब्याह हो, कोई भी समस्या हो, तो ऐसे सांसद क्या फायदा है। तो विकास पे कभी आप लोगों ने बात किया उनसे? विकास जब उनका फोन ही नहीं उठता, जब किसी से मिलेंगे तो विकास पे क्या बात किया जाए उनसे, उस लायक है ही नहीं है। चलिए ये भी कह रहे हैं कि उस लायक नहीं है, आखिर भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है तो आखिर ऐसे कैंडिडेट पर भरोसा रखती क्यों है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी इन्होंने कहा कि सांसद दिखते नहीं है, आपका घर कहाँ पर है? जी मेरा घर मेहदावल है। अच्छा, मेहदावल के रहने वाले, पंचायत मेहदावल जी। क्या ये बात इनकी जो कहनी है कि सांसद दिखता नहीं है, कोई विकास नहीं हो, कहाँ तक सही है? जी ये जो कह रहे हैं, ये जनता जनार्दन जान चुकी है और जानती है, जैसे जब पूर्व वह सांसद बनाए गए थे तो लोकसभा संत कबीर नगर की जनता की उनसे बहुत सारी आशाएं उम्मीद थी और उस आशा उम्मीद को खरा नहीं उतरे उन्होंने, तो संसद भवन में जा करके कभी खलीलाबाद से बलरामपुर तक रेल लाइन बिछाने की बात करते हैं, कभी यहाँ पे खलीलाबाद में बस अड्डा लाने की बात करते हैं, कभी वह यहाँ पे मगहर में रेल ठहराव की बात करते हैं, कभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन सांसद महोदय द्वारा अभी तक एक भी काम यहाँ धरातल संत कबीर नगर पे दिखाई नहीं दिया। और वोट की जब बात आई है तो वोट की बात वो जनता के बीच में जाते हैं, खासतौर हमारे निषाद समाज के बीच में जाता हूँ, मैं भी निषाद समाज का बेटा हूँ, तो जब वो आप सवाल करते हैं कि मैं आपके आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, हमें वोट कर दीजिए, तो हम लोग जब जवाब करते हैं कि इससे पहले कहाँ रहा पान सलिया, आज नजर आवा था, इससे पहले कहाँ रहा नजर तना आईला, तो कहते हैं आप बड़का नेता बन रहे हो समाज के। अच्छा, ये उनका कहना है कि आप बड़का नेता बन रहे हो समाज का, यानी कि बस वही है, आरक्षण के नाम पे सिर्फ निषाद को ठगना है और निषाद का वोट लेना है। हेलीकॉप्टर पर बैठ कर आए हैं, हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाने की फिर प्लानिंग है, लेकिन इस बार जो है कि हमारा सांसद वही होगा जो हमारे और सुख और दुख में शामिल होगा, जो नगर पंचायत ही नहीं पूरे जिले के विकास का काम करेगा, हम लोग अब फिर उसको वोट करेंगे। चलिए अभी आपने कहा आरक्षण की बात को लेकर, आरक्षण में 5 साल तो ये आरक्षण आरक्षण चिल्लाते रहे, 5 सालों में क्या इन्होंने आरक्षण लागू किया? मंत्री जी, पिता मंत्री बेटा सांसद जी, तो क्या लगता था कि जब कहते हैं योगी और मोदी जी जो है बगैर इनके सखा है, जैसे राम जी के सखा जो है उनके अपने निषाद राज थे, तो उस तरह से ये कह रहे हैं कि हम उनके सखा हैं, तो फिर आखिर क्यों नहीं ऐसा हो पाया कि आपको आरक्षण मिला? जैसे इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जो है एनडीए की सरकार जो हमेशा वो है कि ये झूठी पार्टी है, यानी कि सोई वह झूठ का बोलबाला है उस पार्टी में और झूठ के ही गोद में जाकर के माननीय संजय निषाद सह परिवार के साथ बैठ गए हैं। उनकी पार्टी निषाद पार्टी तो है नहीं, खाली गायब हो चुका है, वह कमल पे सवार हो गए हैं, कमल पे सवार होकर के निषादों के बीच में आरक्षण की बात करते हैं। अच्छा, कमल पे सवार, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दिया, कमल पे सवार हो गए, क्योंकि यहाँ पर दो निषाद लड़ रहे हैं, जैसे पप्पू निषाद है, दूसरे जो है हमारे प्रवीण निषाद है, तो उन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र पार्टी हैं भाई, हमारी निषाद पार्टी है, अगर निषादों के हक के बारे में सोचेंगे हम सोचेंगे, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो सपा पे सवार है, अगर समाजवादी पार्टी निषादों के बारे में अच्छा नहीं सोचेगी तो उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, हम अपने हक हकू की बात खुद करेंगे, क्या लगता है ये उनकी बातें सही है? जी बिल्कुल सरासर गलत है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे अखिलेश साहब ने उससे पहले जो है 2016 में एक शासनादेश जारी किया था और निषादों के साथ कहार कसब बिंद मल्ला केवट के सहित 17 जातियों को उन्होंने अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रयास किया था, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में शासनादेश लागू भी हुआ और कुछ सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति के बने ही, लेकिन उसके साथ ऐसे ही विरोधी दल के नेता जो बैठे हुए हैं, एनडीए की सरकार ऐसे ही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे हक और अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं। रही संजय निषाद, निषाद पार्टी है नहीं, थाली उनकी गायब हो चुकी है, निर्वाचन आयोग ने बैन कर दिया है और स्वयं एक निषादों से कहते रहे हमेशा कि सरकार बनाओ और अक्षर पाओ, सरकार बनाओ और अक्षर पाओ, कहते कहते तो वो तो सरकार उनकी बन गई, निषादों का अक्षर नहीं मिला, मिला तो सिर्फ उनके सह परिवार को मिला, संजय निषाद को मिला, कैबिनेट मंत्री बन गए, प्रवीण निषाद को मिला सांसद बन गए, सरवन निषाद को मिला चौरी चौरा से विधायक बन गए, बाकी सारा निषाद वर्तमान समय में सिर्फ क्या हो रहा है उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं और उनके ऊपर क्या वो मुकदमे में फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, निषादों के साथ बस यही उनका काम है, यही कर रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं है। चलिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि मंत्री रहने के बाद भी जो निषादों को अपना मानते हुए कहते हैं कि आरक्षण हम उनके झोली में डालेंगे, इनका कहना है कि आरक्षण जो भी हुए हैं वो अखिलेश यादव के जमाने में
पास किए गए, लेकिन कुछ लोगों का बना उसके बाद रोका गया, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप मिला है। क्या नाम है सर आपका? चतुर्भुजी निषाद। अच्छा, आप भी निषाद हैं सर? क्या इन्होंने तो बहुत सारी बातें कह दी कि संजय निषाद ने जो है सिर्फ लॉलीपॉप लोगों को दिया आरक्षण के नाम पर, क्या लगता है? खाली निषादों को ठगने का काम किया उन्होंने, निषादों का आरक्षण का नाम नहीं, अपनी भोजन भरी थाली भरने का अपने परिवार के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया निषादों के। हम ऐसा कसरवाल कांड को गिनाते हैं। अरे वो खाली गुमराह करने का एक तरीका है उनका, निषादों को बेचने का तरीका, बीजेपी खाद बेच रहे हैं निषादों को ले जाकर के, बाकी कुछ नहीं इनके नाम से। यहाँ का निषाद इस बार सबक सिखाएगा, अच्छा प्रत्याशी खोजेगा जो इनकी हमारे काम सुख दुख में सहयोग करेगा, उसको हम खोजेंगे। यानी इनका विकल्प ढूंढेंगे एकदम एकदम। क्या लगता है विकल्प? तो यहाँ पे दो निषाद है, पप्पू निषाद है और वो है, तो विकल्प में पप्पू निषाद जी क्षेत्रीय है। अच्छा। हम उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। यानी पप्पू निषाद को मन बना लिया? एकदम मन बना लिया, यहाँ के निषादों ने मन बना लिया। बाहरी को खदेड़ेंगे, क्षेत्रीय को लाएंगे। बाहरी को खदेड़ने का? बिल्कुल खदेड़ने का पूरा। अच्छा, आपने कहा कि प्रवीण निषाद और या इनके घर के लोगों ने अपना विकास किया है, पांच साल जनता का क्या किया? बता देना किसका विकास किया। यहाँ एक यहाँ लड़ा था रमेश निषाद टाउन एरिया में चुनाव, उसका विरोध करने निषाद अगर है, निषाद का विरोध करने आए थे, निषाद का विरोध करना चाहिए। नहीं ना, निषाद के अंदर निषाद का विरोध नहीं, फिर आप विरोध करने क्यों आए? आप विरोध करने आना ही नहीं चाहिए आपको। इसका मतलब आप पैसा लेकर के अब एक निषाद को हराने आए थे, एक निषाद को आप जिताने आए थे, इसका मतलब क्या बताइए? एक आदमी को जिताने, एक आदमी को हराने, आपका निषाद है नहीं, आप समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम बेच रहे हो निषादों को भी। यहाँ का निषाद इस बार सबक सिखाएगा इनको। अच्छा, हाईटेक करने की, निषादों को हाईटेक पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन पढ़ाने में मंत्री है, मत्स्य पालन मंत्री है, ये कुछ नहीं करते, खाली गुमराह करते हैं, पौआ और झौआ वाली बात करते हैं। ये खुद पौआ झौआ वाले हैं, खुद लेते हैं, खुद पीते हैं, और रात को दिन को पी के घूमते हैं, और निषादों से झगड़ा करते हैं। इनके अंदर यही भावना है, झगड़ा करके मार करके वोट लेना, दादागिरी करते हैं बाप बेटा सब। दादागिरी की बात है? दादागिरी एक बात समाज में फैल रही थी वो मारपीट वाली, कहाँ तक सही? अभी मारपीट वाली सही है, गुंडा ना हो, दादागिरी अगर नहीं करते तो इस तरह बातें नहीं करते आप। आप पी के ही लड़ते हैं, पी अगर पीते पौआ झौआ वाली बात करते हैं, निषाद बिकता है तो निषाद को आप खुद बेच रहे हो पौआ झौआ वाली बात करके। मोदी और योगी को लेकर के पैसा ले लेकर के आप गुमराह कर रहे हो निषादों को। निषाद समझ नहीं, हमारा निषाद तब समझेगा जब आप यहाँ से जाओगे और मंत्री पद से हटोगे, तब समझ में आएगा आपको निषाद क्या है, बताएगा इस बार निषाद आपको। निषाद कितना मजबूत हुआ है? बहुत मजबूत सर, इनके कहने इनके जोड़ने थोड़ी हुआ, अखिलेश यादव के जोड़ने से हुआ है। यहाँ का निषाद मजबूत हुआ, आज थोड़ी दिसंबर प्रसाद निषाद जी समाजवादी में, जमुना प्रसाद जी समाजवादी थे, इनके जोड़ने से हुआ है। निषादों को जगाए जमुना प्रसाद जी ने जुटाए हैं, फेल है उनके आगे। देखिए इनका भी गुस्सा बहुत तेज है, क्योंकि इनका कहना है कि जो भी कहा गया है अभी तक इनके पास आया नहीं। जिन्होंने निषादों को जगाया, जमुना प्रसाद को उन्होंने बताया निषादों को जगाया, लेकिन कसरवाल कांड को लेकर हमेशा ये सुर्खियों में रहते हैं कि कसरवाल कांड में निषादों को इन्होंने जो है आगे किया, और निषाद आज जाने पहचाने जाते तो उन्हीं की देना। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सिराज है। सिराज अहमद जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम सही बुजुर्ग के रहने वाले हैं। सही बुजुर्ग के, तो ये बताइए लोकसभा चुनाव नजदीक है, माहौल क्या चल रहा है आपके वहाँ? माहौल हमारा जो है इंडिया गठबंधन का चल रहा है। अच्छा, पूरे जिले में एकदम, और खास कर तो हमारे बिरादरी में एकदम पूरा। अच्छा, बिरादरी के लोग यहाँ तो माइनॉरिटी के ज्यादा बेल्ट है? हाँ, मिनाली के काफी लोग हैं, लमसम 6.5 लाख। अच्छा, यहाँ जो 5 साल जो सांसद रहे हैं उनका उनकी क्या भूमिका रही कि आप इंडिया चिल्ला रहे हैं? नहीं तो उनको हम लोग कभी देखे नहीं, तो अब हम उनको क्या जाने सांसद है कौन कौन है, कभी देखा नहीं आपने? कभी नहीं। कोई विकास आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। चलिए, विकास के नाम पर ये भी जीरो कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रणाम कर रहा हूँ आपको। राम जल मौर्या। कहाँ के रहने वाले हैं सर? खजनी विधानसभा, ग्राम रानी की। अच्छा, खजनी विधानसभा के हैं? जी सर। ओहो, तो बहुत अच्छी बात है, आप संत कबीर नगर में कलेक्ट्रेट पर आप मिल गए। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया है। जो वर्तमान में सांसद है अभी चाचा कर खदेड़ो इनको। अच्छा, खदेड़ो भगाओ। तो कई जगह तो कह रहे हैं लोग भगा भी रहे हैं उनको, डंडा भी मार रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ क्यों, आखिर क्या कारण हो गया? कोई काम नहीं किए जब से जीते, कभी न क्षेत्र में गए, न कभी किसी के यहाँ गए, न दुख सुख में गए, और जनता बहुत परेशान है उनसे। कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं हुआ। कहाँ, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब बाढ़ आती तो नदी में, अरे कोई कर जाते थे, झूठ बोलते हैं एकदम, जुमलेबाज, एकदम जुमलेबाज हैं, बहुत बड़े झूठे आदमी हैं, बहुत बड़े झूठे हैं। हाँ,
चलिए इनकी इनकी पूरी बातें हैं। हमेशा जो है ये न्यूज वर्ल्ड इंडिया जो है किस्सा कुर्सी को लेकर आपके बीच पहुंचता है। क्या है जनता की राय, मिली जुली राय आपने देखा ही है। कॉन्स्टिट्यूशन संख्या 62 में यहाँ पर जो लोगों ने हमेशा जो चुनाव का जो मुद्दा रहा, हमेशा चुनाव तो समाज ही लड़ता है क्योंकि उन्हें 5 साल का विकास चाहिए। विकास के मुद्दे पर जो प्रतिक्रिया आपके सामने है, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया किसी ऐसे पार्टी का समर्थन नहीं करता कि यह कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया का जो खास प्रोग्राम है किस्सा कुर्सी का आपके सामने हाजिर है, इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ 62 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का दबदबा सबसे बेहतर है। बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया से। मैं संत कबीर नगर से सदरे आलम खान।